हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ओपन। आज बात करते हैं, शुरू करते हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से। इंडिया ने बहुत सॉलिड शुरुआत की थी फर्स्ट डे पे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, जब चाइना को हराया था 7-2। कल आज वाले मैच में ये पूरा जो जोश बना हुआ था उन साथ का सारा वापस आ गया। फॉर फ्लैट 1-1 ड्रॉ हुआ जापान के साथ। कम से कम 14-15 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले इंडियन टीम को, बट हम कन्वर्ट सिर्फ एक कर पाए। एंड ओवरऑल अटैक कर रहे थे हम, बट somehow पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। जापान का डिफेंस बहुत सॉलिड था, जेन्युइनली बहुत अच्छा डिफेंस किया उन्होंने, बट जिस तरह से पोजेशन को डोमिनेट कर रखा था, जिस तरह से गेम को ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रखा था इंडियन हॉकी टीम ने, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट नहीं हुआ ऑब्वियसली, एंड फॉल फ्लैट हुए हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है इस टाइम पे। आई होप ये चीज़ को हम वापस रेक्टिफाई करेंगे बहुत जल्दी अगले मैच में, पर ये जो ऐसे एकदम टॉप फिर ऐसे, ये मजा नहीं आया होता देख के। एंड पहले भी कई वीडियोस में हमने रीसेंट टाइम में बात करी है, इंडियन मेंस हॉकी टीम को अपने अटैक को, अपने जो सॉलिड वाले डिफेंसेस के अगेंस्ट खेलते हुए पेनिट्रेशन पे जितना काम करना है एंड पेनल्टी कॉर्नर्स पे इफेक्टिवनेस पे जितना काम करना है, वो सब चीज़ों का आज एक गेम के अंदर अंदर पूरा हमें एक एग्जाम्पल मिल गया कि यहाँ पे इश्यूज हैं जो इमीडिएटली इम्प्रूव करने शुरू करने पड़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट गेम्स हैं आगे आने वाले, बड़े टूर्नामेंट्स आगे आने वाले, उसमें हमें बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है अगर हमने ये चीज़ रिजॉल्व अभी नहीं करी तो। बाकी रिजल्ट्स में चाइना फिर से बुरी तरह हारे, मलेशिया से इस बार हारे 5-1, एंड कोरिया और पाकिस्तान का 1-1 ड्रॉ रहा। पर इंडिया का थोड़ा सा, आई नो हारे नहीं है, पर डिसअपॉइंटमेंट है वो ड्रॉ की 1-1 के डिसअपॉइंटमेंट है। चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भी थोड़ा सा मिक्स्ड डे रहा। पीवी सिंधु अनफॉर्चुनेटली अपना मैच हार गई क्वार्टर फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंची हैं वो। किदंबी श्रीकांत भी अपना मैच हार गए क्वार्टर फाइनल्स का, वो अलग बात है प्रियांशु राजावत से हारे हैं, तो इंडिया के लिए एक गुड एंड बैड वाला सिचुएशन। प्रियांशु राजावत एक अप एंड कमिंग प्लेयर है, किदंबी श्रीकांत एक सीनियर प्लेयर है, एंड प्रियांशु राजावत ने काफी हेविली हराया श्रीकांत को, विच इज नॉट समथिंग जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ठीक है, होता है कई बार, चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है शायद। HS प्रणॉय अपना मैच जीते, उन्होंने इस टूर्नामेंट के टॉप सीड को हराया क्वार्टर फाइनल्स में, दैट वाज गुड। सेमीफाइनल्स में फिर से इंडिया वर्सेस इंडिया है, प्रियांशु वर्सेस HS प्रणॉय। वुड हैव बीन बेटर अगर ये फाइनल में होता मैच, तो ट्रॉफी गारंटीड होती इंडिया के लिए, बट जो भी है एटलीस्ट एक बंदा तो फाइनल में पहुंच ही रहा है, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दीज टू, क्योंकि दोनों एट दिस पॉइंट अपने गेम के टॉप पे चल रहे हैं। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप से एक बहुत बढ़िया न्यूज आई आज इंडिया के लिए। पहली बार हमने कोई गोल्ड मेडल जीता है इस चैंपियनशिप की हिस्ट्री में, दैट वॉज ब्रिलियंट। विमेंस कंपाउंड टीम ये मेडल जीत कर आई इंडिया के लिए, जिसमें ज्योति सुरेखा वैनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी थे। उन्होंने मेक्सिको को हराया फाइनल में, ब्रिलियंट डेज, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। यूरोपियन कप आज के गेम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने शिलोंग लजोंग को 4-0 हराया। हमारे नए उभरते सितारे पार्थिव गोगोई ने हैट्रिक मारी इस गेम में, ग्रेट परफॉर्मेंस फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उनका उतना अच्छा नहीं चल रहा है हिसाब किताब, तो एटलीस्ट ये जो इस सीजन की शुरुआत हुई है, सीजन का पहला मैच जिसको गिना जा रहा है उनके लिए, उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है थोड़े से अपने से लोअर रैंक टीम कह लो या लोअर रंग टीम कह लो, बट स्टिल गुड स्टार्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, एंड आई होप अच्छा परफॉर्म करें आगे आने वाले टाइम में अलग अलग टूर्नामेंट्स में, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम उस रीजन को जो भी चल रहा है वहां पे थोड़ी सी होप की जरूरत है। मैं काफी टाइम से इसको अपोज कर रहा हूँ कि इसको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्यों बोल रहे हो, 7 स्टेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, बट जो भी है एट दिस पॉइंट इन टाइम ये रियलिटी है। तो ऐसे में आई रियली होप फुटबॉल एंड स्पोर्ट इन जनरल, बट फुटबॉल इन सबसे पॉपुलर है वहां पे, एक कुछ होप दे सके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड टीम उस रीजन को। थोड़ा चलते हैं स्प्रिंटिंग की तरफ। ज्योति राजी हमारी स्टार स्प्रिंटर, अभी उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया आज, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में खेल रही हैं वो भी, उन्होंने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता 110 मीटर हर्डल्स में, और उसी इवेंट के लिए नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया, 12.78 सेकंड्स में उन्होंने ये रेस कंप्लीट की। अपना ही प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने 12.82 सेकंड्स का, बट 0.01 से वो क्वालिफिकेशन मिस कर गई पेरिस के लिए अगले साल ओलंपिक्स के लिए। आई होप जो आने वाले इवेंट्स हैं, जो आने वाले क्वालिफिकेशन इवेंट्स होंगे, उसमें ये 0.01 भी मेकअप कर जाए और अगले साल ओलंपिक्स में खेलें वो। अब आते हैं RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इतने सालों से, फर्स्ट एडिशन से इस टीम के साथ
हर टीम की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई है। बैंगलोर की एक आइडेंटिटी सबसे ऊपर बन गई है कि जी चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। ये बहुत एक फेमस लाइन है, सबके लिए ये होता है कि हाँ अडेप्टेबिलिटी ये वो, और बैंगलोर के लिए लिटरली हर दो साल में इन लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। एंड आज ये अनाउंसमेंट हो गई है कि माइक हेसन और संजय बांगर जो पिछले साल इंचार्ज थे, माइक हेसन पिछले 2-3 साल से टीम के साथ जुड़े हुए हैं एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन या जो भी, संजय बांगर लास्ट ईयर हेड कोच थे टीम के, उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा। एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे के फॉर्मर प्लेयर लेजेंड ऑफ द गेम, उनको इस टीम का अब हेड कोच अनाउंस कर दिया गया है। एंड अगर आपको ध्यान हो लास्ट ईयर लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच थे एंडी फ्लावर, और लास्ट ईयर काफी तमाशा हुआ इन दोनों टीम्स के आपस में। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा डायनामिक, इंटरेस्टिंग सा टिडबिट है जो आने वाले, एंड ये लखनऊ वर्सेस बैंगलोर राइवलरी अगले साल भी चलने वाली है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब जो उस डगआउट में बैठे थे अब इस डगआउट में बैठे हैं, क्या रवैया रहता है, किस तरह का अप्रोच रह रहा है इन सब चीज़ों का। एंड अगेन गोइंग बैक टू बैंगलोर, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज़ को कि यार कुछ तो सीखो, जो कंसिस्टेंट टीम्स हैं जो एक्चुअली जीती हैं वो कुछ कंसिस्टेंसी से जीती है, डिसीजंस की कंसिस्टेंसी से जीती है सबसे ज़्यादा। ऐसे में अपना जो पूरा बैकरूम स्टाफ था, बैकरूम मैनेजमेंट था, टू बी फेयर ठीक कर रहे थे ये लोग, माइक हेसन ने अच्छा काम किया था, फैंस के साथ उनका एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा था। ऐसे में क्या डिसीजन है ये, क्यों है ये डिसीजन, अभी बाहर से नहीं समझ आएगा ऑब्वियसली, कितना इफेक्टिव होगा ये डिसीजन। एंडी फ्लावर का रिकॉर्ड फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा है, अलग अलग लीग्स में उन्होंने अपनी टीम को टाइटल जिताए हैं, तो शायद वही होप होगी इनकी भी। बट अगेन एक साल या दो साल में एंडी फ्लावर ने नहीं जिताया अगर टाइटल, जो एल्यूसिव टाइटल है, फिर इनको निकाल देंगे तो पता नहीं क्या करेंगे राम जाने। एट द एंड ऑफ द डे बैंगलोर अपने पे बनी हुई है, चल रहा है उनका मजेदार, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या कहना है ये पूरे आरसीबी के बार बार चेंज करने के पूरे स्ट्रैटेजी को, पूरे ये आइडियोलॉजी के बारे में, इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना हमें। एक और चीज, इंडिया हॉकी में क्या इम्प्रूवमेंट करने की इमीडिएट जरूरत है, वो भी नीचे बात करते हैं थोड़ी सी कमेंट में। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो ताकि यूट्यूब महाराज हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें इस वीडियो को। एंड अगर इस टाइप का कंटेंट, इस चैनल का कंटेंट आपसे रोज मिलना पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।